is Engineer Richa Pandey from Technical Institute of Advanced Technology. I am a software trainer. आपका स्टैट प्रो एडवांस ट्यूटोरियल में स्वागत है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्यूटोरियल 3 में कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, स्टैट प्रो की वर्किंग एनवायरनमेंट पेज कैसा शो होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं और हम ग्रिड कैसे जनरेट करते हैं. इससे पहले हमने ट्यूटोरियल 1 में डिस्कस किया था कि स्टैट प्रो क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, उसके यूज़ क्या हैं. ट्यूटोरियल 2 में हमने डिस्कस किया था कि स्टैट प्रो की वेलकम स्क्रीन कैसी दिखती है, अगर आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क करना है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स करते हैं. हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा. अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. आपके सामने एक पेज शो हो रहा होगा, इसे बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ स्टैट प्रो. ये पेज स्टैट प्रो का वर्किंग एनवायरनमेंट है. यहाँ पर हम वर्क करते हैं, यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस करते हैं. आपके सामने ये ऊपर सबसे फर्स्ट रो शो हो रही होगी, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार. इसके नीचे सेकेंड रो को बोलते हैं हम मेनू बार. जैसे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, सेलेक्ट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं हम मेनू बार. इसके नीचे थर्ड रो है, इसे हम बोलते हैं टूल बार, इसमें सभी टूल्स होते हैं. साइड में 3 कॉलम आपको शो हो रहे होंगे, इस 3 कॉलम्स को बोलते हैं हम साइज टूल बार. सबसे फर्स्ट कॉलम को बोलते हैं हम कर्सर मेनू बार, क्योंकि इसमें सारे कर्सर्स हैं, जैसे नोड कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर. और देन सेकेंड, जो लास्ट के 2 आपको दिख रहे होंगे कॉलम, इसको बोलते हैं हम पेज कंट्रोल. पेज कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वर्क होता है इस पेज को, वर्किंग एरिया को कंट्रोल करना. क्लियर? इधर आपके सामने ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्रिड, और ये जो वाइट पूरा पेज दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया. यहाँ पर आपको साइड में XYZ लिखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स में बना हुआ आइकन शो हो रहा होगा, इसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसका क्या काम होता है, ये हमें डायरेक्शन बताने में मदद करता है, एक्सिस बताने में मदद करता है. जैसे एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में और जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में. जैसे इस समय बता रहा है एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, वाई अपोर्ट की तरफ है, ठीक है. और यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टेबल्स हैं, तो इसको बोलते हैं टेबल्स. और नीचे जो लास्ट रो शो हो रही होगी इसको बोलते हैं स्टेटस बार. ओके, क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं. यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर सेलेक्ट करिएगा. सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, ग्रिड जो है 3 टाइप्स के हैं, लीनियर है, रेडियल है और इरेगुलर है. लीनियर इट मीन्स कि इसकी स्पेसिंग क्या है, इक्वल हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, तीनों एक्सिस की जो स्पेसिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि तीनों की, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो. जैसे यहाँ पर आपके सामने यहाँ शो हो रहा होगा तो इनके बीच की स्पेसिंग क्या है, इक्वल है. और वैसे ही वाई एक्सिस के बीच की स्पेसिंग इक्वल हो और जेड एक्सिस के बीच की स्पेसिंग इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर. रेडियस इट मीन्स कि जो आपके पास ग्रिड जो बनकर रेडी होगी, जो क्रिएट करेंगे ग्रिड, वो रेडियल शेप में हो, तो उसको क्या कहेंगे, रेडियल. इरेगुलर, एक्स एक्सिस की जो स्पेसिंग है वो इक्वल ना हो, अनइक्वल हो. जैसे आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल ना हो. जैसे यहाँ पर एक एक मीटर की स्पेसिंग ना होकर यहाँ पर कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 मीटर की स्पेसिंग है, तो उसे क्या कहेंगे, इरेगुलर. क्लियर? हम यहाँ पर लीनियर लेते हैं, लीनियर सेलेक्ट करते हैं. पहले आपको बताएंगे हम लीनियर, तो लीनियर सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा नेम, तो यहाँ पर हम कुछ नेम डाल देते हैं. जैसे सपोज हमने लीनियर डाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है प्लेन. आप किस प्लेन पर वर्क करना चाहते हैं, अगर एक्स वाई पर वर्क करना चाहते हैं, एक्स जेड पर वर्क करना चाहते हैं या वाई जेड पर, जिस प्लेन पर आप वर्क करना चाहते हैं उस प्लेन को आप सेलेक्ट करिए. जैसे एक्स जेड पर वर्क करना चाहते हैं तो एक्स जेड को सेलेक्ट करिए, वाई जेड पर वर्क करना चाहते हैं वाई जेड, तो हम एक्स वाई पर काम करना चाहते हैं तो हम एक्स वाई पर सेलेक्ट करते हैं. एंगल ऑफ प्लेन, आपका जो प्लेन है वो किस एंगल में हो, आप वहाँ पर ये डेटा इनपुट कर सकते हैं. फिर ओरिजिन, ओरिजिन इट मीन्स कि आपकी जो ओरिजिन है वो क्या है. जैसे
ग्रिड की ओरिजिन हमारे यहाँ पर हमने डेटा फिट किया 0 0 0, ये ऑटोमेटिक पहले से ही है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रिड की ओरिजिन है यहाँ पर वो 0 0 है। इफ़ यहाँ पर 2 2 अगर हम एंटर किए होते, इनपुट करते x2 y2 z2, तो ओरिजिन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती, 2 2 से। फिर यहाँ पर नीचे है कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन इट मीन्स अगर आप x डायरेक्शन में लेफ्ट 0 है और राइट 10 है, राइट 10 इट मीन्स इस साइड में 10, और वैसे ही y एक्सिस में 0 से स्टार्ट हुआ है और राइट की तरफ 10 है। अगर आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं और यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से आप इस तरह से लीनियर ग्रिड को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिंग इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, जैसे यहाँ पर 1 1 मीटर है तो यहाँ पर आपको शो हो रही है 1 1 मीटर, ठीक है। हम इसको करेंगे ओके, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स बन कर आया। जब तक आप इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे तब तक आपकी वो ग्रिड जनरेट नहीं होगी। अगर आपको इसे एडिट करना हो तो आप एडिट कैसे करेंगे, जैसे हमें वर्क करना है एक्स जेड पर, ठीक है। तो हम एक्स जेड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक्स ऑफ यस, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड है और ये एक्स है। अगर हमें वर्क करना है वाई जेड पर तो देखिए आपके सामने ऐसे कुछ ग्रिड बनकर तैयार हुई क्रिएट हुई है, ये वाई है और ये जेड है। आपको जिस एक्सिस पर वर्क करना होगा आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंगल प्लेन आपके जिस एंगल पर आपको अपनी ग्रिड रखनी है आपको सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिन जैसे यहाँ पर 0 0 है 0 0, इफ़ अगर हम यहाँ पर 0 की जगह हम मान लीजिए ओरिजिन हम 2 करते हैं 2 2 2, ओके। तो देखिएगा जो हमारी ये ओरिजिन है ये 2 2 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, एक्स भी 2 वाई भी 2। और यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन देखिए यहाँ लेफ्ट है राइट, अगर हम लेफ्ट की तरफ 0 यहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ हम 2, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राइट इट मीन्स इस साइड। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे अगर हम डेटा को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये भी हमारी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, ओके। ऐसे ही लेफ्ट वाई एक्सिस है, लेफ्ट 0 और राइट 10, अगर जैसे इसको भी हम डिक्रीज करते जाएंगे तो देखिए ये भी डिक्रीज हो रही है, अगर हम इसे इंक्रीज करते जाते हैं तो ये भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्लियर। स्पेसिंग इट मीन्स अगर हम यहाँ पर स्पेसिंग जैसे यहाँ पर 1 है तो इनके बीच की स्पेसिंग देखिए 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, ऐसे इनके बीच की स्पेसिंग क्या है, 1 है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं वाई डायरेक्शन में देखिए 2 से 3 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई डायरेक्शन स्पेसिंग 1 है, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, तो ऐसे इनके बीच की स्पेसिंग क्या है, इक्वल है। अगर इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल है तो हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। देखिए 2 से 3 1 है, 3 से 4, हाँ अगर 2 से 4 यहाँ वाई एक्सिस में 2 है, 4 से 6 2 की स्पेसिंग होती तब भी हमारी लीनियर कहलाती, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सभी की स्पेसिंग इक्वल है और एक्स डायरेक्शन में अगर सभी की स्पेसिंग इक्वल है तो हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी, ठीक है। एक्स वाई में स्पेसिंग क्या हो, इक्वल हो। तो हम इसे फिर से 0 करते हैं, इसे भी 0 करते हैं, वाई को भी और हम जेड को भी क्या करते हैं, 0 करते हैं। इसको किया हमने ओके, ठीक है, तो लीनियर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेडियल की, आपके सामने रेडियल है और इन्हें हम कुछ नेम डाल देते हैं, जैसे सेव करते हैं, सपोज़ हमने कर दिया ASDF, कुछ भी आप डाल सकते हैं, प्लेन XY रहने देते हैं। अभी आपको पहले दिखाते हैं कि कैसी बनती है, फिर इसके बाद इसको हम समझाएंगे, इसको करेंगे ओके, और फिर हम इसको करेंगे चेक। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपके सामने वो ग्रिड क्रिएट नहीं होगी। तो ग्रिड आपके सामने क्रिएट हो गई, देखिए रेडियल में इसके जो है कि पेरिफेरी कैसे हैं, ये पूरा ग्रिड कैसा है, रेडियल शेप में है, कर्व शेप में है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम एडिट करते हैं, अगर आपको ग्रिड को एडिट करना होता है तो आप किस ऑप्शन में जाते हैं, एडिट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, क्लियर। प्लेन देखिए आप किस प्लेन पर, आपका जो ग्रिड है वो किस एंगल पर हो, तो 0 वाई एक्सिस की तरफ 0, वाई वाई एक्सिस 0। ग्रिड ओरिजिन मतलब ओरिजिन क्या है, 0 0 0, यहाँ पर 0 डेटा फिट है, एंटर है, इसलिए यहाँ पर 0 है ओके। अगर यहाँ पर आप ग्रिड ओरिजिन सपोज हम चेंज कर देते हैं, जैसे हम ग्रिड ओरिजिन चेंज करते हैं वैसे देखिए यहाँ पर भी
ये सिर्फ चेंज हो गया, अब यहाँ जीरो से हटकर सिक्स है, दिख रहा है आप लोग को, सिक्स है ओके। और फिर इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्ट एंगल ज़ीरो, किस लाइन से किस एंगल से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, पहले था ज़ीरो था क्योंकि ओरिजिन हमारी ज़ीरो थी, इसलिए स्टार्ट एंगल भी क्या था, ज़ीरो था ठीक है। अगर आप इसे चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर। स्टार्ट एंगल ज़ीरो, स्वीप 360, आप कितने एंगल पर इसे स्वीप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एंगल फिट कर सकते हैं 360। बेस 10, बेस देखिए 10 कौन सा, ये जो है आपको जैसे जैसे ये रेडियस टाइप में जो शो हो रहा है इसको बोलते हैं वेज, या फिर इसको भी बोलते हैं हम वे ठीक है। तो ये जो ये वेज है ये आपका जो डिक्रीज हो रहा है आपका कुछ 3, तो मतलब 1 2 3 वेज ओके। हम इसको जो है कि जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होता चला जाता है, ये वेज जिसे हम रेडियस कहते हैं ठीक है। तो हम इसको वापस चेंज सकते हैं ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा बेस 8 है, 8 करते हैं ओके। यहाँ पर बेस 8 है, इस वे का मतलब क्या होता है ये ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए 7 6, जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी ये वे भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा क्लियर। यहाँ पर देखिए रेडियस 1, रेडियस 1 इट मीन्स इंटरनल रेडियस, रेडियस 1 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इंटरनल रेडियस क्या है, 0 है। इफ़ यहाँ पर हम कोई डेटा फिट कर देते हैं, जैसे सपोज़ हम यहाँ पर डेटा फिट कर दिए 20 ठीक है, और यहाँ पर रेडियस 2 हमने यहाँ पर फिट कर दिया सपोज़ 60। रेडियस 2 क्या होता है, एक्सटर्नल रेडियस, ये एक्सटर्नल रेडियस आपका 60 और इंटरनल 20। अब इसके बाद हम इसको करेंगे, बेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं वापस, और इसको करेंगे हम ओके। देखिए 20 इंटरनल रेडियस 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है 20 मीटर, और फिर एक्सटर्नल कितना हुआ 60, क्लियर, समझ में आया आप लोग को। अब हम आपको दिखाते हैं, बात करते हैं इरेगुलर, इरेगुलर में क्या होता है कि सब उसकी जो स्पेसिंग है एक्स की वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, या फिर वाई की स्पेसिंग अनइक्वल होगी, जैसे 2 3 4 या फिर 3 5 6 कुछ भी हो सकती है ठीक है, लेकिन वो इक्वल नहीं होगी। जब तक स्पेसिंग अगर इक्वल ना हो तो उसे हम लीनियर नहीं कहते, इरेगुलर कहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही नेम है, तो आप यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर सकते हैं, जेड एस डी कुछ भी, या फिर इरेगुलर भी टाइप कर सकते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन हमने आपको भी बताया कि ओरिजिन क्या है, सेंटर पॉइंट होती ग्रिड की ओरिजिन होती है, आप उसकी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0 0, पहले हम आपको ऐसे ही करके दिखा देते हैं। प्लेन, आपकी जो ग्रिड है वो किस प्लेन पर है, जैसे एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, एंगल ऑफ प्लेन, आपकी ग्रिड है जो सीट है वो किस एंगल में है, उसे आप यहाँ पर डेटा फिट करेंगे। फिर रिलेटिव ग्रेड लाइन डिस्टेंस, यहाँ पर आपको डिस्टेंस देना होगा इरेगुलर में, क्योंकि इरेगुलर में जो स्पेसिंग है वो क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर डेटा फिट करेंगे, डेटा के साथ साथ हम जैसे ही डेटा इनपुट करते हैं वैसे ही हम स्पेस बार भी यूज़ करते हैं, जैसे 2 2 स्पेस 3 स्पेस 4 ओके, और वैसे ही नीचे की तरफ, और 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर ओरिजिन हमारी 0 है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे ठीक है। वैसे ही वाई में 0 स्पेस 2 स्पेस 5 स्पेस 6 क्लियर, और फिर इसके बाद हम इसे करेंगे ओके ओके। जब तक आप इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे तब तक आपकी वो ग्रिड बनकर तैयार नहीं होगी ठीक है। देखिए आपकी कुछ इस तरह से ग्रिड बनकर तैयार हो गई। यहाँ पर देखिएगा हमने डेटा फिट किया था, इंटर किया था 0 2 3 4, इसमें क्या होता है कि जो भी आप डेटा यहाँ पर इनपुट करेंगे वो सभी डेटा क्या होते हैं, एड ऑन होते जाते हैं। जैसे हमने 0 एंटर किया तो 0, 2 तो 0 प्लस 2 2, फिर 3 तो 2 प्लस 3 5, और फिर 4 5 प्लस 4 9। वैसे ही वाई एक्सिस को वाई डायरेक्शन में देखिए 0 0 2 एंटर किया तो 0 प्लस 2 2, फिर 5 इनपुट किया 2 प्लस 5 7, और फिर उसके बाद हमने इनपुट किया 6 7 प्लस 6 13। तो ये क्या होते हैं, डेटा एड ऑन होते चले जाते हैं, आप जो भी यहाँ पर डेटा इनपुट करेंगे वो सारे डेटा एड ऑन होते चले जाते हैं।
अगर आपको एक्सजेड में देखना है तो देखिए यहाँ पर एक्सजेड एक्सिस है, प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लेन है वाई जेड, ठीक है। तो आपको जिस प्लेन पर वर्क करना हो आप यहाँ पर उस प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उस एंगल जिस एंगल पर वर्क करना हो आपका प्लेन जो है जिस एंगल पे हो आप वहाँ पे यहाँ पर आप वो डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर, उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।